रम जी, स्वागत है आपका पूजा के ब्लॉग में, यानी कि मेरे ब्लॉग में। और फ्रेंड, आज बहुत दिनों के बाद हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा है। मैंने इनसे बोला, ये नीचे बैठे थे टीवी देख रहे थे, मैं इनके सर में भी दर्द चेक कर लूँ। तो फ्रेंड, इनके सर में भी दर्द हो रहा था आज सुबह से, और मेरे भी, तो मैंने भी दवाई खा के सो गई थी। और अब मेरे तो आराम है मेरे, और इनके नहीं आ रहा। पता है क्यों दर्द हो गया? रात को ना हमने खाना खाने के बाद चाय बनाई, तो चाय पी है ना, जब से गैस बन रही है तो कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। अभी नहाऊंगी, ना ही नहीं हूँ आज मैं, तो मैंने सोचा अब नहा लूँगी आराम से, नहा के फिर आराम से लेट जाऊंगी। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, फिर नहाऊंगी, टाइम लगेगा। खाना ये दोनों बना लेंगे, दादी और भैया। खाने में बनेगा शायद आलू गोभी, शायद और रोटी। तो इनके सर में डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल और पानी मिला के, थोड़े से ठंडा हो जाएगा इनके सर में, तो मैं काम करते हैं ना बहुत। मैंने अब तेल धोले कपड़े, ऐसे मुंह बना के बैठी है। तुमने कपड़े धो रहे ना, मौसम खराब हो रहा है, कल सूखेंगे कपड़े। बारिश का मौसम तो हो रहा, बारिश होने की ना, पर बारिश होने की भी ना, दिल्ली में बारिश हो ही नहीं सकती। ओहो, इतनी वो ना, तो तेरे से बादल चलेगा। दिल्ली में है ना, गर्मी का इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जितना उतना ही बारिश का, सावन का मौसम कम होता जा रहा है। पहले 4 महीने सावन, 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी, ऐसे होता था। अब क्या पूरे 9-10 महीने गर्मी रहती है। ठंड कहाँ है? ठंड तो सिर्फ ये ही रह गई है, जनवरी दिसंबर बस। और बारिश तो पड़ती नहीं है, फिर सब ऐसी ही है बस। मौसम भी करमाहट निकलती है ना बाहर, तो है ही। और फिर दुनिया है, दुनिया में हर साल गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सूरज नज़दीक आता जा रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। देखे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, हम कल शाम को नहीं ज़्यादा व्लॉग बना पाए थे, बहुत काम कर रहे थे ना, ये बेचारी कपड़े धोने में लग रही थी, रात को 11-12 बजे तक तो कपड़े धुले इसके, और अब आके सुखाए हैं सुबह, सब 5:30 हो रहे हैं, तो ये ड्यूटी के लिए तैयार हैं। इन्होंने मुझे सुबह सुबह 5 बजे चाय पिलाई है। मुझे नहीं पिलाती है सुबह सुबह 5 बजे तुम्हें चाय? नहीं, मैं नहीं पिलाती, मैं सोचती हूँ कि सोने दो थोड़ी देर, और मैं उठती भी नहीं हूँ 5 बजे, तुम उठ जाते हो फिर सोने के लिए, इसलिए उठते हो। बूटी की टेंशन रहती है, चलो आज तो टेंशन है, रोज भी हो जाता है, किसी ना किसी चीज की टेंशन हो जाती है। हाँ, एक ही आदत लगी है ना कि सुबह जल्दी उठना, तो बच्चों को तैयार करना, बच्चों को छुट्टी चलते, नींद आती रहेगी, लेकिन फिर भी 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या करते हैं। तुम गाँव चले जाओ रहने, गाँव में ही हूँ मैं, ये मेरा घर है ना, ये गाँव कस्बा है पूरा, गाँव में सही है तुम्हारे लिए, जल्दी उठो, खेतों में जाओ, पानी लगाओ, है भैंस बकरी पाल लेना सुबह सुबह, जानवर तो पाल रखे मैंने घर में, और पाल ही क्या रखा है घर में, पूरी सही बात नहीं। हम जानवर है मतलब, तू बकरी है, मैंने जानवर बोला तुझे? चल जा रहा हूँ, फोन आ गया। हेलो, आगे गली में हूँ, जुम्मे की दुकान की तरफ। इनका फोन आ गया था, चले गए जल्दी जल्दी भाग के, मतलब और कोई भी जाता है यहाँ से ड्यूटी, तो दोनों साथ ही चले जाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने अभी कपड़े रात को नहीं सुखाए थे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश आएगी, आप देख सकते हो मौसम अभी भी ऐसे ही हो रहा है, बादल भरे पड़े हैं, लेकिन बादल बरस नहीं रहे, इतनी वो हो रही है, और इतना आप सही में बुरा हाल है, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कहीं कुछ हो रहा है, आग लग रही है, कहीं सिलेंडर फटने, बड़ा डर लगता भैया,
इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बड़ा बुरा हाल है। अगर हमारे एसी ना हो तो हम भी खेल जाएं धूप में, मतलब गर्मी में। हाँ तो फ्रेंड, कपड़े मैंने आके पहले चाय पिला दी थी इन्होंने मुझे, मैंने चाय उठते ही पी ली थी, ब्रश भी नहीं करा था। तो फिर मैंने आई ऊपर, मैंने कपड़े सुखाए सारे, कपड़े सुखाने के बाद फिर फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद फिर ब्रश करा, ब्रश करके अब बैठी हूँ। अब सोच रही हूँ गोभी काट लेती हूँ, अब क्या सोऊँ, 6:45 हो रहे हैं, अब क्या सोऊँ मैं 5:45 तक। अब मैं गोभी काट लेती हूँ, गोभी में लगेगा टाइम। अब बैठी ऊपर और जीजा मेरे कमरे में आके, जीजा को ना चाय की, जीजा उठे थे फ्रेश होने, तो जीजा को चाय की महक आ गई। तो जीजा देखने आए, ऊपर तो है नहीं कोई भी, फिर हम कमरे में बैठे थे, कमरे में आए, फिर कमरे में थोड़ी थोड़ी चाय हम तीनों ने पी है और वहीं पे सो गए बच्चों के पास ही। ये तो चलेगा, मैं तो लेटूंगी नहीं, क्योंकि अब मेरे को तो काम में ही लगना है इतने बजे, 6 बजे उठ के। हमारे ना पौधे रखे हुए थे वहाँ पे, तो धूप में ना बहुत ख़राब हो रहे थे, तो मैंने वहाँ जगह बनाई है देखिए छाए में रखने के लिए, अच्छे भी लग रहे हैं कोने में, क्योंकि गर्मी इतनी बुरी हो रही है, पौधे भी ख़राब हो रहे थे, मैंने यहाँ रख दिया। मक्के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं घर में पौधे, अभी ख़राब नहीं होने चाहिए भाई, बड़ी मेहनत करी है मैंने, चीज़ें लेके आए बेचारे और हमने मेहनत करी है भाई, पालते हैं हम इन्हें भी बच्चों की तरह, पानी पिलाते हैं इन्हें सुबह शाम। मेरे तो जब भी आती हूँ ना, जब देखती हूँ ज़्यादा सूख रहे, जब भी पानी डाल देती हूँ मैं भी, वो पछत पे तो आता ही आते रहते हैं, फ्रेश वगैरह होने, बाथरूम करने वगैरह। तो फ्रेंड सुबह के टाइम पता नहीं क्यों इतनी मक्खी लगती है, और देखो छत पे कुछ कूड़ा नहीं मिलेगा, साफ है बिल्कुल, हमारी छत बिल्कुल साफ है। रात को धुलाई करी है मैंने, कपड़े धोते धोते भी, लेकिन मक्खी ऐसे लग रही है जैसे कि क्या पड़ा है यहाँ पे खाने की चीज़, कुछ नहीं है, हद है मक्खी हो। तुम भी सफाई में ज़्यादा आती हो, गंदगी जहाँ होती है वहाँ कम रहती हो, इन्हें भी सफाई चाहिए हमारी तरह। तो फ्रेंड देखिए, आपको पता ही है हमारे कपड़े, हमारे कपड़े धुलने से पहले गंदे पहले हो जाते। देखिए यहाँ पे मेरा सूट और प्रिया का सूट है, प्रिया भी रात को नहाई थी, मैं भी रात को नहाई थी, तो ऐसे ही होता है बस हमारे घर में। बच्चे ना उठ जाए, मुझे तो डर लगता है जब उनके पापा जाते हैं ना ड्यूटी, तो दोनों जल्दी उठ के बैठ जाते हैं, और आपको लग रहा होगा मैं बोर कर रही हूँ, बोर नहीं है। और फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि हमारी सालगिरह अभी निकली है, 1 हफ्ता हुआ है आज शायद, 26 तारीख को। तो घर में पता ही आपको छोटी मोटी पार्टी हमारी यही होती है, बर्थडे पार्टी या सालगिरह पार्टी। तो जीजा वगैरह सब कहने लगे कि हमने जब बाबू की वजह से नहीं मनाई थी, फिर उसके बाद हमारी प्रिया पड़ गई थी बीमार, प्रिया बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था। अब भगवान की दया से सब ठीक है, और अपने सालगिरह मनाओ, अच्छा नहीं लगता, केक काटना ज़रूरी होता है। वो केक तो हमने यूँ काट दिया था कि हमारे फ्रेंड ने भेज दिया था मेरी ने, तो इसलिए। तो देखते हैं आज का प्रोग्राम बनता है, कल बात कर रहे थे कि कल कर लो, केक वेक काट लो, मैंने कहा देखते हैं, आपको नया ब्लॉग मिल जाएगा एक, अगर केक वेक कटा है एनिवर्सरी हुई तो। अब वो मज़ेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी काटना ज़रूरी है, अब कोई नहीं, सुख दुख सबके साथ है देखो, है ना, किसी के आगे हो जाते हैं, किसी के पीछे मना लेते हैं सालगिरह, कोई पहले भी मना लेता है कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे वहाँ हो रहा है, तो इसीलिए पहले केक काट लेते हैं। अब हमारा केक 1 हफ्ते बाद कट रहा है, कोई नहीं, कटेगा तो काट लेंगे, क्यों, गर्मी इतनी हो रही है, मैं तो यूँ कह रही हूँ बाहर से बाहर चलते हैं, भारी काट ले, मतलब केक वेक काट लेंगे, और खाना वाना भी बाहर हो जाएगा, इतना ही खर्चा घर में होता, इतना ही बाहर हो जाएगा, थोड़ा मज़ा सा आ जाएगा, हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा कंटिन्यू। देखिए फ्रेंड, अब मेरी चाय बन गई है, और ये मेरी फेवरेट नमकीन है, खट्टी मीठे वाले, मुझे चाय के साथ सुबह यही खाती हूँ। और फ्रेंड टाइम हो रहा है 7:30, तो फ्रेंड 7:30 हो रहे हैं, और मेरी सब्जी भी बन गई है, दूध भी उबल गया है, और थोड़ा बहुत पानी भर लिया है, बस बोतल रह गई है, मयूर जग रह गया है भरने के लिए, बाकी पतीला, खाने के जो बर्तन भरते हैं हम खाने में डालने के लिए, जग वगैरह, वो सब भर गया है, और बाल्टी वगैरह भर गई है सब, अब बस बोतल और मयूर जग रह गया है। और मैंने रानी को उठा दिया, प्रिया भी आ गई है, अभी आई है रानी भी, उठी अभी, और प्रिया भी अभी उठी है, तो जीजा के लिए गर्म पानी करके रख के आ गई हूँ गिलास में, रानी ऊपर से आएगी,
मुंह धोने गई है, ऊपर से आएगी तो रानी पानी दे देगी जीजा को, फिर जीजा भी उठ कर चाय पी लेंगे, चाय बनाती है सबके लिए। तो फ्रेंड आज का काम कंटिन्यू, रोज का यही काम होता है, आपको पता ही है हमारी रोज की ड्यूटी यही है, सब बाहर जाते हैं ड्यूटी करने, हमारे घर की ड्यूटी यही होती है रोज। मैं आज उठे थे 5:15 बजे, चाय पी ली थी मैंने जल्दी, फिर मैंने ब्रश करके निकाल दी वो सारी चाय।